OBE यानी ओपन बुक एग्जाम्स। दोस्तों, ये वो टॉपिक है जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाखों स्टूडेंट्स को कई महीनों से परेशान कर रखा है। एग्जाम्स होंगे भी या नहीं, होंगे तो कब होंगे। तो अब इस पे एक बड़ी खबर ये है कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एग्जाम्स का रास्ता साफ कर दिया है। 16 जुलाई को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एग्जाम की डेट्स जारी की थी और अब जस्टिस प्रतिभा एम सिंह दिल्ली हाई कोर्ट ने एग्जाम्स का रास्ता साफ कर दिया है। ये एग्जाम्स 10 अगस्त से होने जा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशानुसार आने वाले एग्जाम्स में कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं इन चेंजेस के बारे में। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ओपन बुक एग्जाम आखिर है क्या। तो ओपन बुक एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स को अपने सारे बुक्स, टेक्स्ट बुक्स और जो भी नोट्स उसने बना रखे होते हैं, उन बुक्स को रेफर करने का मौका मिलता है। यानी आपके सामने क्वेश्चन पेपर तो होता ही है, साथ ही साथ आप अपने बुक्स और नोट्स को भी रेफर कर सकते हो। ये एग्ज़ाम सबसे पहली बार कर्नाटक के मैसूर के गवर्नमेंट स्कूल में अगस्त 2018 में कंडक्ट किया गया था। इसमें 150 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो पहले दिन एक क्लोज बुक एग्ज़ाम लिया गया था जिसमें बुक्स रेफ़र करने नहीं दिया गया था, और अगले दिन ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। तो यह पहली बार नहीं है जब इंडिया में ओपन बुक एग्ज़ाम होने जा रहा है। भारत में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने स्टूडेंट्स की जान जोखिम में ना डालते हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने की घोषणा की, और यही एग्ज़ाम्स ओपन बुक फॉर्मेट में 10 अगस्त से होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो DU ने 8 अगस्त को जारी की थी। तो इस नोटिफिकेशन के ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार होने वाले ओपन बुक एग्ज़ाम्स में क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। जो सबसे बड़ी प्रोमिनेंट चेंज है वो है एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में। जहाँ पहले स्टूडेंट्स को 3 घंटे का वक्त मिलता था, वहीं अब उन्हें 4 घंटे दिए जा रहे हैं। ये 1 घंटे एडिशनल क्वेश्चन अपलोड और डाउनलोड और स्कैन में लगने वाले टाइम को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। तो खैर, ये 4 घंटे तो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं। वहीं जो स्टूडेंट्स PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जी हाँ, PWD कैटेगरी यानी कि पर्संस विथ डिसेबिलिटी, तो उनके लिए ये टाइम ड्यूरेशन 6 घंटे रखी गई है। जी हाँ, 6 घंटे का वक्त मिलेगा उन स्टूडेंट्स को जो PWD यानी कि पर्संस विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी पूरे 2 घंटे एक्स्ट्रा। तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन डाउनलोड, अपलोड, स्कैन वगैरह कर सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है इस बार यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि ये पहली बार वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो जो अब हम नज़र डालते हैं अगली बड़ी चेंज पे, तो नोटिफिकेशन हमें ये भी बताती है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करके उसे कैसे अपलोड करें, उसे कैसे पोर्टल पे अपलोड करना है। तो आपसे कहा गया है कि आप जो क्वेश्चंस अपने आंसर शीट में लिखोगे, जब आप वो कंप्लीट कर लो तो आपको उसे स्कैन करना है। आप चाहो तो स्कैन कर सकते हो, आप चाहो तो उसकी पिक भी खींच सकते हो। तो आपको सजेस्ट किया गया है कि आप सारे आंसर्स को एक PDF में कन्वर्ट कर लें, लेकिन उस PDF की लिमिट 7 MB रखी गई है। जी हाँ, यानी कि आप जो PDF सबमिट करोगे वो 7 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये तब है जब आप पोर्टल पे अपने क्वेश्चंस को जमा कर रहे हो। इन केस आप पोर्टल पे क्वेश्चन जमा नहीं कर पाते हो तो आपको एक ईमेल आईडी दे रखी है यूनिवर्सिटी ने। जी हाँ, ये जो आप ईमेल आईडी देख रहे हो, उस ईमेल पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को सबमिट कर सकते हो। लेकिन जब आप ईमेल के जरिए अपने क्वेश्चन सबमिट कर रहे हो तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, अपना नाम, रोल नंबर, प्रोग्राम का नाम, यूनिक पेपर कोड, ये सारी चीज़ें उस मेल में मेंशन करनी पड़ेंगी।
जिन लोगों ने मॉक ओपन बुक एग्ज़ाम दिया था उनको तो ये बात पता ही होगी कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से अपलोड करने हैं, किस लिंक से करने हैं और सॉल्व किए हुए पेपर कहाँ अपलोड करने हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जब आप अपने DU के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करोगे तो ये आपको लिंक मिलेगी, प्रेस रिलीज़, उसके नीचे नोटिफिकेशंस की लिंक मिलेगी। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये दो लिंक्स आपको नज़र आ जाएंगी, डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग ऑफ स्कैंड इमेजेस, यानी आपके आंसर्स को आप अपलोड भी इसी लिंक से करोगे और इसी लिंक से डाउनलोड करोगे। इसका एक टाइम पीरियड, एक विंडो सेट है जिसके बाद ना आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाओगे ना अपलोड कर पाओगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में चेंजेस आए हैं 3 घंटे से 4 घंटे, तो अब बात करते हैं शीट्स की। आप A4 शीट और लेटर साइज शीट्स यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो रूल वाली शीट यानी ये लाइन वाली शीट या फिर वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक बात है पेन की, तो आप ब्लू या ब्लैक कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। हर शीट पे आपको अपनी डिटेल्स जैसे कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखने होंगे। आपको हर पेज के बॉटम मिडिल में यानी बिल्कुल नीचे की तरफ मिडिल में पेज नंबर्स लिखने होंगे, यानी किस सीक्वेंस में आप आंसर दे रहे हो। और हर शीट को आप सेपरेटली अपलोड कर रहे होंगे क्योंकि हर शीट की पिक खींच के आप उसको अपलोड करेंगे, तो आपकी हर शीट सेपरेटली एक एक करके आपने अपलोड करनी है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने फाइल्स की नंबरिंग भी उसी ऑर्डर में करोगे, न्यूमेरिकल ऑर्डर में करोगे, तो आपको अपलोड करने में भी कन्वीनियंट रहेगा और आपके क्वेश्चंस भी है जो एक सीक्वेंस में होंगे। जो और एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि जो फाइल्स आप अपलोड करोगे कोई भी फाइल 7 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए साइज में, और फॉर्मेट जो एक्सेप्टेड है जो आप मोबाइल से खींचोगे वो JPG फॉर्मेट ही होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, जब आप पेपर अपलोड करोगे तो इस बार यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको एक फैसिलिटी दी है जो आपको ये बताएगी कि आपके पेपर बिल्कुल ठीक तरीके से अपलोड हो गए हैं या नहीं। अगर आपके पेपर्स अपलोड नहीं होते हैं तो उसका भी इलाज यूनिवर्सिटी ने बताया है, ठीक है। तो आपको पेपर अपलोड करने हैं अपने पोर्टल पे। इन केस आप अपने पोर्टल पे अपने आंसर शीट्स अपलोड नहीं कर पाते हो तो ये जो ईमेल आईडी आप देख रहे हो obe.script@exam.du.ac.in, इस वाली आईडी पे आपको अपनी सारी शीट्स मेल करनी है। आप चाहो तो अपनी सारी आंसर शीट्स इस वाली आईडी पे मेल ना करके अपने कॉलेज, डिपार्टमेंट या फैकल्टी के मेल्स पे भी भेज सकते हो, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको, हर फैकल्टी को एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है, तो वो आप उनको भी मेल भेज सकते हो। बट इट इज़ सजेस्टेड कि मेल आप सेंट्रल ईमेल आईडी पे ही भेजें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, इसके बावजूद भी यदि आपको कोई परेशानी महसूस होती है, यदि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो, तो ये जो ईमेल आईडी आप स्क्रीन पे देख रहे हो आप इस पे मेल कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट्रल अथॉरिटीज़ को। तो प्लीज़ ये ईमेल आईडी आप नोट करके रख लेना। तो दोस्तों, आप सबको ब्रिज इंटेलिया की तरफ से आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट विशेज़।